गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। गुरु जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। क्या सिद्धियां ही माया है? क्या सिद्धियां भी माया है? अच्छा, क्या सिद्धियां भी माया है? माया है? हाँ जी। तो पहले सिद्धियां, सिद्धियां का मतलब सिद्धि से क्या तात्पर्य है? सिद्धि का मतलब कि जैसे योग के माध्यम से कुछ कुछ ऐसा गुण, कुछ ऐसी विशेषताएं किसी को प्राप्त हो जाती हैं, या जैसे कि कुछ कहते हैं कि मुंह में सरस्वती आ गई, ये जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। आप समझ लेते हैं, जब हम सत्य का बात करेंगे, ध्यान से समझना है, जब हम परम सत्य का बात करेंगे तो उस परम सत्य को छोड़ के, यानी कि परम सत्य के सिवा, यानी कि ब्रह्म के सिवा, यानी आत्मा के सिवा, यानी कि परम चैतन्य के सिवा सब कुछ माया है। सिंपल सी बात है, उसके सिवाय सब कुछ है माया है। आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है अपने पंच इंद्रियों से या मन से बुद्धि से, जो भी चिंतन मनन हो रहा है, ये सब क्या है? माया है। तो कोई भी सिद्धि मन से ही होगा ना, सिद्धि का संबंध मन से होता है। ये सिद्धियां यानी कि कलाएं समष्टि मन में भी है, और समष्टि मन से किसी किसी का व्यष्टि, जीव का व्यष्टि मन का संपर्क होता है, तो समष्टि मन में विद्यमान उन सिद्धियों, उन शक्तियों के साथ, यानी उनकी कृपा हो गई या उनके साथ योग हो गया, तो वो कला अपने आ गई। आपने सुना होगा कृष्ण के बारे में कहते हैं कि 64 कलाएं हैं, फिर 64 योगिनियों के बारे में, और ऐसे कुछ कई शास्त्र मिल जाएंगे जिसे 64 कलाएं के बारे में बात करेंगे। आप कभी 64 कलाएं को पढ़ा है आपने? क्या क्या है? राम जी के लिए बोलते थे उनकी बस 16 कलाएं हैं, ऐसे कुछ। 64 कलाएं को पहले सुन लो आप। नहीं, राम जी के वो अलग कलाएं, 12 कलाएं, और कृष्ण को 16 कलाएं, लेकिन यहाँ 64 कलाएं के बारे में सुन लो। 64 कलाएं में आपको मिल जाएगा, अगर पढ़ने जाओगे तो उसमें से कई कलाएं को मैं बता रहा हूँ। निपुणता कोई चीज में, कलाएं का मतलब निपुणता। उसमें है कि खाना बनाने की कला, खाना बनाने में निपुणता, ये एक कला है। राजनीति पॉलिटिक्स, ये भी एक कला है। छल कपट करना, ये भी एक कला है। नृत्य डांस करना, ये भी एक कला है। 64 कलाएं में से ये सब कलाएं हैं। म्यूजिक बजाना, ये भी एक कला है। म्यूजिक बजाना, गाना, ये भी एक कलाएं हैं। कपड़ा बुनना बनाना, ये भी एक कला है। मशीन बनाना बुनना, इंजीनियरिंग की क्वालिटी, ये भी एक कलाएं हैं। तो आप जितने अभी देख रहे हो आपके आसपास जो कलाएं, निपुणता, कोई एक चीज में परांगत हो जाना, वो कलाएं होता है। तो इसी 64 कलाएं में एक ये भी कलाएं है कि मुट्ठी बंद, मुट्ठी के अंदर क्या है या मन के विचार को पढ़ लेना, ये भी 64 कलाएं में से एक कला है। किसी के विचार को पढ़ लेना या बंद मुट्ठी के अंदर क्या है उसको बता देना भी 64 कलाओं में से एक कला है कृष्ण की। ये कृष्ण की ही कला नहीं, 64 योगनियों में है, और भी एक कई शास्त्र है तंत्र में 64 कलाओं की, योग की चर्चाएं की जाएगी, जहाँ पे आपको कलाएं मिल सकती है। तो ये सब कलाएं हैं, कहाँ विद्यमान है ये सारे? प्रकृति में, समष्टि प्रकृति में। और आपको व्यष्टि जो मिली है, शरीर या मन, व्यष्टि से समष्टि का कभी कभी योग हो जाता है, तो वो कलाएं आप में आने लगती हैं। अब साधना से पढ़ के, चित्त वृत्ति के निरोध से, जैसे भी अब जो भी कलाएं आ जाए, निपुणता आ जाए, ऐसी सिद्धि से क्या आती है? ख्याति आती है, प्रसिद्धि आती है, पद प्रतिष्ठा आता है, मतलब फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, और बड़ा आनंद भी आएगा आपको, अंदर से कहीं परेशान भी रहोगे,
क्योंकि आप भी जानोगे कि एक्चुअली ये तो मेरा है नहीं, ये आ रहा है जा रहा है, कोई कलाएं हैं, प्रकृति की शक्ति है, आ रही है जा रही है, ऊर्जाएं हैं। इससे आप परम शांति को प्राप्त नहीं हुए हो, सत्य को नहीं जानते हो, क्योंकि ये जगत मन यानी कि समष्टि मन के आधार पे हो रहा है। तो ये बंधन का कारण है, सबसे जबरदस्त बंधन का कारण आत्मज्ञान के लिए है। ऐसी चाहे जो भी कलाएं, एक तो सब कलाएं सबके पास नहीं आती है, सब कलाएं कभी भी नहीं आती हैं, कुछ 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 आएंगे, लेकिन इसमें फंसना नहीं है आत्मा मार्ग में। अगर आ भी जाए तो कोई भी कलाएं में हमारे आते हैं यहाँ पे, तो कुछ कुछ बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं, जब मैं कहता हूँ कि अंत में अंतिम अवस्था जो है वो कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस है, ये है, तो हमसे दूर चले गए, आकर बहुत कुछ बहुत घटित, थोड़ा बहुत आगे भी साधना में बढ़े, क्योंकि उनको सिद्धि चाहिए। और हमारे मार्ग में आते हैं कितने लोगों को सदगुरु को मार्ग माने से ऐसे भी सिद्धि की ओर से नहीं लेके जाएंगे, उनकी दृष्टि संकल्प सदगुरु के या जो भी मार्गदर्शन होगा वो सिद्धि से बाहर ही होगा ना, परम अवस्था की ओर होगा। और सिद्धि की ओर किसी और जाए भी तो कहेंगे किसको पकड़ना मत। और ये भी तो सिद्धि ही है कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बनने की क्वालिटी आप में आ गई, अमीर बनने की आप में कला आ गई, तो ये भी तो एक सिद्धि है। मुझे पैसा बहुत कमाना है, ये भी तो एक सिद्धि है। हो सकता है हर सिद्धि, हर कला, हर निपुण, हर फील्ड में आपकी निपुणता नहीं आ सकती है, समझना है। तो कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बहुत सारी कलाएं तो है ही, और भी आ ही रही है। तो इस तरीके से 64 कलाएं हैं, असम में कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं, सब नहीं होती हैं। और 64 अगर आप देखेंगे तो समष्टि मन में, जो समष्टि जगत है, ब्रह्मांड में विद्यमान है। अब ब्रह्मांड का आत्मा कौन है? कृष्ण। और कृष्ण के होने के कारण से ब्रह्मांड चैतन्य है। तो कलाएं कहाँ है गर्गी? कलाएं कहाँ है? इसी ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड क्यों हुई, हम एक तल पे कृष्णा भी कहते हैं, सगुण रूपी कृष्णा कहते हैं, तो कृष्णा में ही कलाएं हुई ना, और किस में हो सकता है? भगवद गीता में एक श्लोक है कि अर्जुन ऐसा कभी ना हुआ कि ना तुम कभी हुए ना कभी भविष्य में ही होगे, और ऐसा कभी ना हुआ कि मैं कभी ना हुआ और कभी नहीं रहूंगा। तो ऐसा श्लोक अर्जुन को बोले, तो अर्जुन तो अभी नहीं, अर्जुन का शरीर तो खत्म हो गया ना, और कृष्ण का भी तो वो शरीर खत्म हो गया, तब तो कृष्ण ने ये झूठ बोल दिया कि अर्जुन तुम कभी ना थे, रहे ना कभी रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम भी थे, हम भी थे भी नहीं, वो ही, लेकिन ये दोनों का शरीर तो खत्म हो गया। तो आप देखो कृष्ण की क्या यहाँ पर इशारा है, कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण है। जो कृष्ण भी सदा ही है, अर्जुन भी सदा ही है, तो अर्जुन और कृष्ण कौन है? नहीं तो भगवद गीता झूठ है ना। कुछ लोग बोलते हैं 5 साल पहले, 5000 ईयर्स पहले कृष्ण का अवतार हुआ, अभी कृष्ण आएंगे। मेरे लिए तो कृष्णा भी है, यही है, इसी वक्त है, अर्जुन भी है, अर्जुन और कृष्ण सदा है। जब तक ज्ञान को लेने वाला कोई है, जब तक कोई उलझन में है, वो अर्जुन है, ऊर्जाएं अर्जुन है। और जब तक कोई परम चेतना से परम ज्ञान को दे रहा है, वहां से वो कृष्ण है, कृष्ण बोल ही रहा है, आइए सदा सदा से। भूल जाओ उसको, उस युद्ध को और उस कृष्ण को और उस कृष्ण के चेहरे और अर्जुन को, उस रथ को, पंच घोड़ों को, सबको भूल के अंदर आ जाओ। अंदर, सिर्फ शरीर के अंदर नहीं,
अपनी चेतना के अंदर आ जाओ और उस तल तक जाओ जहाँ से सनातन आत्मा, अविनाशी आत्मा तक, यही है। ठीक है।